सोमवती अमावस्या पर इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका प्रभाव शुभ व अशुभ देश दुनिया के लोगों पर पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जो कि शुरू हो चुका है, और अब सूर्य ग्रहण और सूतक काल खत्म होने तक पूजा पाठ व धार्मिक कार्य नहीं किए जाएंगे और इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये एक ऐसी समय है जो आपके जीवन पर काफ़ी प्रभाव डाल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। सूर्य ग्रहण आज रात 9:12 से शुरू होगा और अगले दिन दोपहर 1:20 पर खत्म होगा। चैत्र माह के सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 4:25 तक रहेगी। बता दें, आज सोमवती अमावस्या भी है, इसलिए ग्रहण लगने से पहले सोमवती अमावस्या की पूरे विधि विधान से पूजा कर लें। सूर्य ग्रहण पर खाने पीने से जुड़ी मान्यताएं। सूर्य ग्रहण और सूतक काल के दौरान घरों और मंदिरों में कोई धार्मिक कार्य नहीं होते। इसके अलावा मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाना पीना मना होता है, लेकिन वो फलहार खा सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी छीलना काटना पूरी तरह वर्जित होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें और घर के अंदर ही रहने दें। ग्रहण शुरू होने से पहले खुद को शुद्ध कर लें और ग्रहण काल में अपने इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण में दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें, ताकि घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाए।